बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शमादा मिसा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल केयर क्योर ब्यूटी। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, एक पहले मैंने क्रीम शेयर की थी जो कि फ्रेकल्स के लिए थी और वाइटनिंग के लिए नहीं थी, लेकिन आज जो मैं क्रीम शेयर करूँगी वो है वाइटनिंग के लिए भी और एंटी फ्रेकल्स भी है, एंटी मिलासमा भी है, एंटी डार्क स्पॉट भी है। आप इसको अपने पूरे फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके यूज़ का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ट्राइमेलासन क्रीम जो है वो आपकी स्किन को थोड़ा बहुत, अगर आप प्रिकॉशन नहीं करते तो आपकी स्किन को डैमेज कर जाती है और स्किन लेयर जो है वो उतरती है। बट जो आज क्रीम मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ये क्रीम ना सिर्फ आपकी स्किन को हील करेगी बल्कि आपकी जो स्किन वाइटनिंग है उसके साथ साथ स्पॉट्स को भी ख़त्म करेगी और स्किन को रिपेयर भी करती जाएगी। लेकिन इसके अंदर कोई स्टीराइड्स नहीं है, कंपनी जो है ये क्लेम करती है कि इसके अंदर कोई स्टीराइड्स नहीं है, कोई ऐसे हार्श केमिकल नहीं है। तो जो ट्राइमेलासन क्रीम थी उसके यूजेस का भी मैंने बता दिया था किस तरीके से यूज़ करनी है ताकि आप सेफली जो है उसको यूज़ कर सकें। आज ये क्रीम हमारे पास ट्राइमा स्किन के नाम से 15 ग्राम की ये क्रीम है, पैकेजिंग इसी तरीके से है, बाकी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है और एक्सपायरी, सबसे अच्छी बात ये है कि एक्सपायरी मेंशन है और पाकिस्तानी ब्रांड है ये, और इंग्रेडिएंट्स जो है इसके ऊपर मेंशन है। इसके अंदर जो है आपको एक फ्लैप भी मिलता है, छोटी सी ट्यूब है इसके अंदर, फ्लैप भी मिलता है। ये ब्राउशर जो है आपको बताता है किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है, इंग्लिश उर्दू दोनों के अंदर लिखा गया है। और आप इसको अगर अवेल करना चाहें तो जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे भी ये अवेलेबल है, उसके साथ साथ ये दराज पे भी अवेलेबल है। मैंने जो मंगवाई है वो दराज से परचेज़ की है और अभी मैंने 2 क्रीम्स और ऑर्डर की हैं क्योंकि इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। मिलाजमा के साथ साथ स्किन वाइटनिंग को किस तरीके से आपने अवेल करना है वो मैं साथ साथ शेयर करती जाती हूँ। जिन लोगों को मिलाजमा का या डार्क स्पॉट्स का इशू है या फ्रेकल्स का इशू है तो सबसे पहले उन्होंने ये क्रीम जो है वो नाइट टाइम लगानी है। दिन में अगर आप लगा रही हैं तो फिर आपको हीटेड एरिया के अंदर नहीं जाना, स्पेशली वॉश करने के बाद भी सन के एरिया में नहीं जाना आपने या किचन वगैरह में नहीं जाना। और इसको स्टार्ट पे आपने सिर्फ 1 घंटे के लिए अप्लाई करना है, जितना आपका मिलाजमा का हिस्सा है आप इसको सिंपली अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं कि हमारे जो स्पॉट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाए और पूरा फेस वाइटन हो जाए तो फिर भी ये काम करेगी। आप इसके साथ ब्रोशर के अंदर भी इसको मेंशन किया गया है, ये जो ब्रांड है उन्होंने अपनी ही क्रीम का मेंशन किया है, नूर प्लस वाइटिंग क्रीम के अंदर आप इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो यूज़ किया है इसको वो मैंने यूज़ किया है स्किन वाइट की जो हनी लोशन है उसके अंदर, मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर। तो इसी तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको, किसी भी क्रीम के अंदर ऐड कर लें, आप फेयर एंड लवली के अंदर ऐड कर लें, आप इनकी जो क्रीम है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्रांड वगैरह का नेम, तमाम चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्यूब के ऊपर भी मेंशन है कि क्या क्या काम ये करती है। और अगर आप इसको 2 टाइम यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर जैसे मैंने बताया कि नाइट में आप यूज़ करें और डे में अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने हीटेड एरिया के अंदर नहीं जाना। और इसको लगाने से 1/2 घंटा पहले भी आपने सन वगैरह से, अगर बाहर से आप आए हैं या किचन से आप आई हैं तो फिर आपने इसको फ़ौरन से अप्लाई नहीं करना, आप अपनी स्किन को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद किसी भी क्रीम के साथ इसको मिक्स करके आप अप्लाई कर सकती हैं। जो जिनकी मिलाजमा का इशू है और वो पूरी स्किन पे भी लगाना चाहती हैं तो वो मॉइस्चराइजिंग लोशन को ही प्रेफर करें। आप स्किन वाइट की ले सकती हैं, आप वेजलिन की ले सकती हैं, उसके अलावा अगर कोई लोशन लेना चाह रही हैं जो आप यूज़ करती हैं तो उसके अंदर आप मिक्स करके यूज़ कर सकती हैं। इसको 1/1 की जो क्वांटिटी है वो आपने रखनी होगी, 1% आपने इस क्रीम का लेना होगा और 1% ही आपने दूसरी क्रीम का लेना होगा। और इसको इस तरीके से सिंपली अप्लाई करके आपने छोड़ देना है, किसी तरह का लंबा चौड़ा इस पर मसाज नहीं करना। ये स्पेशल जो है वो पहला प्रिकॉशन है आपके लिए कि इसका मसाज आपने नहीं करना। स्टार्ट में आपने 1 घंटे के लिए लगानी है, उसके बाद आपने इसको 4 से 5 घंटे जो है वो लगाना शुरू कर देना है। लेकिन अगर मिलाजमा की बात करें कि कितने अरसे में ख़त्म हो जाएंगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रेज होता है आप लोगों की तरफ से कि कितने अरसे में ख़त्म हो जाएगा, तो मिलाजमा 4 से 6 हफ्ते जो है इन्होंने जो कहा है 4 से 6 हफ्ते के दौरान जो है ये ख़त्म हो जाएगा, जो ब्रांड की अपनी क्लेम है। तो मैंने जो यूज़ करवाया है मिलाजमा के ऊपर, फ्रेकल्स के ऊपर,
इसका जो लाइटन का रिजल्ट है वो तकरीबन 3 टाइम यूज़ के बाद जो है वो आने लग जाता है। जब आप 3 टाइम इसको यूज़ करते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि जो फ्रैकल्स हैं आपकी या जो मिलाजमा है वो लाइटन होना शुरू हो गए हैं। लिप्स की जो साइड एरिया डार्क हो जाता है, नेक डार्क हो जाती है, उस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और प्रिकॉशन यही है जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो मॉइस्चराइजिंग लोशन अपने साथ इसके अंदर ऐड मस्ट कीजिएगा बजाय दूसरी क्रीम के। और नेक्स्ट अगर बात की जाए हाथ पाँव की, तो उसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं और सिंपली अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आधे से 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। अगर किसी मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर ऐड कर रही हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन रात के टाइम अगर अप्लाई करेंगी तो सिर्फ 1 घंटे के लिए अप्लाई करके स्टार्ट में तकरीबन 1 हफ्ते तक 1 घंटे के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। बाकी इस ब्रोशर के अंदर तमाम चीज़ें मेंशन हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको सारी वीडियोज़ जो हैं टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। रिकमेंड करना चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर अपने चैनल को रिकमेंड कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआओं की आजकल मुझे बहुत ज़रूरत है, ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।